ये चार्ट क्या है? चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास एक समरी दी हुई है जो सिटी और पॉपुलेशन को दिखाती है। ओके, इसके लिए क्या है, ये एक समरी हो गई, यानी कि एक समराइज डेटा हो गया, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये चार्ट कहलाता है। तो ये बेसिकली कंपैरिजन को दिखाता है। आप इस चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एकदम सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो मुंबई है उसकी पॉपुलेशन सबसे हाई है। तो हम इसको बनाना सीखेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसको हम एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं और इसको हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये जो समरी है सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर। ओके, इसमें हम देख रहे हैं कि ये कॉलम है, उसको ये उसके थ्रू ये डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये 2D है, ये 3D है, हम कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो हम ये फिलहाल क्या करते हैं, हम 3D में बनाते हैं। तो हम 3D में जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए, और हम इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अभी देखिए हमने ये छोटा कर चुके हैं यहाँ पर हम, और आप इधर देख सकते हैं कि ये इसने जो डेटा रिप्रेजेंट करता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखिए ये जो जहाँ पर ये सिटी दी हुई है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हॉरिजेंटल एक्सिस है और ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, यानी कि वाई एक्सिस। ओके, तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस, यानी कि जो हॉरिजेंटल है। ओके, इसी प्रकार से आप इधर देख रहे हैं, ये डेटा सीरीज है, यानी कितनी पॉपुलेशन है इस सिटी की, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। दूसरा ये आप देख रहे हैं पॉपुलेशन करके, ये हमारा चार्ट का टाइटल है। इसी प्रकार से हम एक चीज और देख लेते हैं इसके अंदर कि लाइन चार्ट क्या है। तो वही हम इसमें, या तो हम उसको डेटा को सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर ये हमारे पास ये लाइन चार्ट भी है। ओके, दूसरा हम इसको, इसी चार्ट को हम एडिट कर सकते हैं, यानी कि जो चार्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं डिजाइन के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप, हम इस पर जाएंगे तो हम यहाँ पर ये चार्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें चाहिए अभी लाइन चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट के अंदर हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लाइन चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए, यानी ये लाइन के थ्रू इसने डेटा ये रिप्रेजेंट किया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी सबसे जो हाई है वो मुंबई है, यानी कि डेटा तो सेम रहेगा, सिर्फ ये चार्ट की टाइप है, ये लाइन चार्ट कहलाता है। ओके, उसी प्रकार से हमारे पास और भी चार्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट को हम एक बार बना लेते हैं, यहाँ इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर ये पाई चार्ट है और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये 2D में है और ये 3D में है, तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ 3D में सेलेक्ट किया है। तो अभी देखिए ये जो 3D में हमने सेलेक्ट किया है, तो ये बेसिकली परसेंटेज शो करने के लिए हम जो पाई चार्ट है उसको हम यूज करते हैं। इसके अंदर हमें पता चलता है कि किसका कितना परसेंट है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ हम एड डेटा लेबल कर सकते हैं। तो एड डेटा लेबल से क्या होगा, इनकी ये परसेंटेज शो करेगा, या हम इसी को परसेंटेज में शो कर लेते हैं। जैसे फॉर्मेट डेटा सीरीज है, फॉर्मेट डेटा लेबल, तो ये देखिए फॉर्मेट डेटा लेबल आया। अब हम इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये परसेंटेज में शो करेगा। सबसे ज़्यादा हमारे पास, हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी 34% है। जो कलर दिया हुआ है इससे हम मैच कर सकते हैं कि हाँ ये जो कलर है पर्पल कलर है, ये हमारा ये शो कर रहा है मुंबई का, और यहाँ पर 34% है। ओके, तो आई होप ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको बहुत अच्छे से देखें, हार्डवर्क करें, और अगर कोई आपको नया टॉपिक्स अगर सीखना है एक्सेल के अंदर तो मुझे कमेंट करके बताएं।